तो कुछ दिन पहले विराट कोहली और गौतम गंभीर की फाइट हुई थी, ये बात हम सभी को पता है। लेकिन ये झगड़ा हमें एक बार फिर देखने को मिला है। 13 मई को लखनऊ और हैदराबाद के बीच में मैच खेला गया था। इस मैच में हैदराबाद पहले बैटिंग कर रही होती है, तभी बीच के कुछ ओवर्स में आवेश खान एक नो बॉल डाल देते हैं, लेकिन उस बॉल को अंपायर द्वारा नो बॉल नहीं दिया जाता। तभी हैदराबाद के बैट्समैन इस पर रिव्यू लेते हैं और जब थर्ड अंपायर द्वारा इस बॉल को चेक किया जाता है तो कैमरे में साफ दिख रहा था कि आवेश खान ने नो बॉल डाली है, लेकिन थर्ड अंपायर ने भी इसे नो बॉल नहीं दिया। इसी बात को लेकर एसआरएच के फैंस को काफी गुस्सा आ जाता है और वो लखनऊ के डग आउट पर नट्स एंड बोल्ट फेंकने लग जाते हैं। मैं खाने वाले नट्स की बात नहीं कर रहा, इन नट्स की बात कर रहा हूँ जो कि गौतम गंभीर और लखनऊ के खिलाड़ियों पर फेंके गए हैं। और जैसे ही गौतम गंभीर डग आउट से बाहर निकलते हैं, फैंस उनके सामने कोहली कोहली के नारे लगाने लग जाते हैं। ये बात गौतम गंभीर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो इन फैंस की शिकायत फोर्थ अंपायर से कर देते हैं। फिर फोर्थ अंपायर के द्वारा इस मैच को कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है और इन फैंस को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर दोबारा से मैच स्टार्ट कर दिया जाता है। तो आप देख ही रहे हैं कि विराट कोहली से पंगा लेना गौतम गंभीर को काफी भारी पड़ रहा है और इसी मैच में लखनऊ के कोच अंपायर को मिडल फिंगर दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि लखनऊ की पूरी टीम हिल चुकी है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, जो कि सूर्य कुमार यादव के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सूर्य कुमार यादव ने गुजरात के सामने एक शानदार सेंचुरी मारी है जो कि इनकी आईपीएल की फर्स्ट सेंचुरी है। लेकिन आईपीएल से पहले जब टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई चल रहा था तभी से लोगों ने इन्हें पनौती कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया था, लेकिन आईपीएल में शानदार फॉर्म के चलते इन्होंने अपने हेटर्स को करारा जवाब दिया है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, जो कि विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली के स्ट्राइक रेट के चलते उन्हें किया जा रहा है ट्रोल। ट्रोलर्स का कहना है कि विराट कोहली सिर्फ अपने घर पर ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं और जैसे ही ये चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर खेलते हैं तो इनका एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों कम हो जाते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि विराट कोहली भी अपनी सेंचुरी के चलते ट्रोलर्स को जवाब दे, कमेंट करके जरूर बताएं। समझ रहे हो? एंड ऐसे और भी वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।